पेज नंबर 12 देख रहे हैं, बिना कोई समय गवाए हुए शुरू करते हैं। ये है सिविल पुलिस की अदालत में नहीं चलती। वास्तविकता तो ये है, सही बात भी है कि अदालत में इनकी चलेगी नहीं। तो चलित अदालतें, चलती फिरती अदालतों का जनक, पुलिस सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक और सिविल सर्विस का जनक, भारत में सिविल सेवाओं का जनक, सब तीनों के तीनों किसको जाना जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को। शेर अब बैल की सहायता करता है। सहायक संधि किसकी है? बैलेजली की। इसने शेर, बंगाल का शेर घोषित किया अपने आप को बैलेजली ने। अब कंपनी का अकबर भी किसको कहा जाता है? बैलेजली को। आगे समझते हैं, दो फैक्ट्री डाउन हो गई हैं, दो फैक्ट्री डाउन हो गई हैं। द्वितीय फैक्ट्री एक्ट लेंस डाउन के समय 1891 में आया। देखिए 1881 में आया रिपिन के समय पहला, और करेक्ट 10 साल बाद, सीधा सीधा हिसाब है, दूसरी फैक्ट्री एक्ट 1891 में, मेरा कहीं टच हो जाता होगा, 1891 में 10 साल बाद दूसरा फैक्ट्री एक्ट आ गया। ठीक है, दूसरा फैक्ट्री एक्ट समय कौन सा था? लेंस डाउन, लेंस डाउन। आगे चलते हैं, ये वन लाइनर है, इन्हें भी याद रखेंगे। रानी हर रोज टोपी लगाती थी। इसे समझते हैं, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई रियायतों, ये क्या है? जब कुछ ब्रिटिश लोग जब भारत में आयात करते थे अपने लिए चीजें, और इनको इंपीरियल प्रिफरेंस शब्द का प्रयोग किया गया इस संबंध के लिए। भारत के आर्थिक दोहन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया, और कोई अर्थशास्त्री पैदा ही नहीं हुआ। दक्षिण भारत में सिंचाई, ये इंपॉर्टेंट है, सिंचाई का अग्रदूत कहा जाता है सर आर्थर कॉटन को। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई थी। दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। चुनाव लड़ने वाले और चुने जाने वाले दोनों अलग अलग हैं। चुने जाने वाले हैं दादा भाई नौरोजी। रानी हर रोज टोपी लगाती थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, और मेंस और प्री दोनों की दृष्टि से ये फैक्ट आपको, ये दोनों नीचे वाले और ऊपर वाले पता होने चाहिए। रानी, रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है। हर, यूरोज ने इनको कहा था कि एकमात्र पुरुष थी ये, एकमात्र मर्द कहा कह के संबोधित किया था इन्हें, कि 1857 की क्रांति में एकमात्र मर्द थी। और तांत्या टोपे, तांत्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई दोनों को हराया था यूरोज ने। किसने? जनरल यूरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई तथा तांत्या टोपे को यूरोज ने हराया था। लक्ष्मीबाई के बारे में यूरोज ने एकमात्र मर्द कहा था। लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था। किसमें? बनारस में। जान निकल गई दिल्ली में, हद है, बोलते हैं ऐसे यार, जान निकल गई यहां के तो हद है यार। जान, जॉन निकल, जॉन निकलसन, हद और हडसन दोनों की मृत्यु 1857 के विद्रोह को दबाते समय दिल्ली में हुई थी। दोनों जनरल थे, किसके? अंग्रेजी सेना के। दोबारा समझते हैं, जान निकल गई हद है, हडसन कहां मरा था? दिल्ली में। जॉन निकलसन कहां मरा? दिल्ली में, दिल्ली को वापस लेने के क्रम में। और हडसन की मृत्यु, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, हडसन की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन जॉन निकलसन और ये विद्रोह को दबाने का श्रेय भी, दिल्ली के विद्रोह को दबाने का श्रेय भी जाता है जॉन निकलसन और हडसन को। और जॉन निकलसन की मृत्यु हो गई है और हडसन जो है वो जीवित बचे हैं, इतनी सी बात है। आगे का अगली वीडियो में देख लेंगे। यहां से टॉपिक ले लेते हैं, मथुरा में देवी के मंदिर। मथुरा में देवी देवताओं के वैसे भी बहुत सारे मंदिर हैं, अगली वीडियो में देखेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय। सारे फैक्ट प्री और मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 13 देख रहे हैं, मथुरा में देवी के मंदिर, मथुरा में देवी के मंदिर, देवी सिंह, मथुरा में देवी सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति के दौरान। मेरे कदम, मेरे मेरठ कदम, कदम सिंह ने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का मेरठ में। सुल्तान शहीद हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है, नया प्रश्न है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। सुल्तान शहीद हो गया, सुल्तानपुर में जो नेतृत्व किया है वह किया है शहीद सिंह ने। बरेली फैजाबाद में रेन हुई, बरेली फैजाबाद, ये रेनर्ड ने दबाया था बरेली और फैजाबाद के, रेन माने बारिश, बरेली और फैजाबाद में रेन हुई, बारिश हुई, रेनर्ड ने दबाया था बरेली और फैजाबाद के विद्रोह को।
अब आगे है, इला ने नील बना लिया या प्रिया ने नील बना लिया। अब नाम प्रिया रख लिया है तो कोई बात नहीं है, प्रिया ने नील बना लिया। कर्नल नील ने दबाया था कहाँ कहाँ का विद्रोह, बनारस का और प्रयागराज का या इलाहाबाद का। लिया, यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया लियाकत अली ने दोनों जगह। 1857 के विद्रोह को इलाहाबाद में कर्नल नील ने दबाया तथा बनारस में भी इसने ही दबाया था। इन दोनों जगह विद्रोह का नेतृत्व किया लियाकत अली ने। प्रिया ने नील बना लिया, प्रिया प्रयागराज, नील कर्नल नील, बना बनारस, और लिया लियाकत अली। 1 घंटे में, आवर बोलते हैं 1 आवर, विंसेंट आवर, क्या नाम है इसका, विंसेंट आवर। कुंवर सिंह को ट्रेलर देना है, विलियम ट्रेलर, और बात हो रही है कुंवर सिंह की। कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे, बिहार से। थोड़ी उम्र ज्यादा थी, बड़े बड़े शक्तिशाली तरीके से लड़े थे। 1857 के विद्रोह को बिहार में विंसेंट आवर तथा विलियम टेलर ने दबाया था। बिहार में नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह थे, दोनों ने मिलकर 1 घंटे में ट्रेलर देना है किसको, कुंवर सिंह को। आगे आते हैं, लखनऊ वाली बेगम का नाता कैंपबेल से है। देखिए, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, कानपुर में नेतृत्व नाना साहब तथा तांत्या टोपे ने किया था। इन दोनों जगह पर कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया था। लखनऊ वाली बेगम, लखनऊ में किसने, बेगम हजरत महल ने दबाया, किसने, कैंपबेल ने। नाता, नाना साहब और तांत्या टोपे मिलकर लड़े थे, नाना साहब और तांत्या टोपे मिलकर लड़े। विद्रोह किसने दबाया, कैंपबेल ने। कहां पे लड़े, कानपुर में। इससे आगे का अगली वीडियो में देखेंगे। देखिए, नाता, नाना साहब, तांत्या टोपे, कानपुर, ठीक है, का नाता, और लखनऊ बेगम हजरत महल, दबाने वाला कौन, कैंपबेल। हैव अ नाइस डे, बाय। पेज नंबर 14 से देख रहे हैं, साइलेंट कर दो। बर्र बहादुर है। अब अगर आप यूपी में हैं और बर्र एक जैसे मधुमक्खी होती है इसी प्रकार से उड़ने वाला है और लाल रंग का होता है, बस ततैया नहीं होता, ततैया और बर्र दोनों अलग अलग हैं। बहादुर है, बहादुर खान ने नेतृत्व किया कहाँ पे, बरेली में। 1857 की क्रांति के दौरान बरेली में जो नेतृत्व किया है वो बहादुर खान ने किया है। और इससे आगे चलते हैं, दिल्ली में वक्त नहीं है, क्या है ये, दिल्ली में वक्त नहीं है। जो वास्तविक जिम्मेदारी या वास्तविक नेतृत्व दिल्ली में जो संभाल रहे थे, मेरठ से पहुंचे थे वहां, दिल्ली में वक्त कहां देख रहे थे। आगे चलते हैं, 1857 की क्रांति से संबंधित अन्य तथ्य। देखो, एक टेलर नाम के खिलाड़ी बहुत अच्छे रहे, जिम्बाब्वे की टीम में खेलते थे। क्या नाम था उनका, टेलर, पूरा डब्ल्यू करके उस टेलर होगा। षड्यंत्र से आउट हुआ, षड्यंत्र, कोई योजना बनाई, बुरा बुरी योजना बनाई, ये समझिए। संधि और दुराभिसंधि, बुरे उद्देश्यों के साथ संधि की जाए तो दुराभिसंधि कहते हैं। ऐसी षड्यंत्र ये है कि कुछ गलत काम करने के लिए प्लान किया है, ये षड्यंत्र है। टेलर षड्यंत्र से आउट हुआ, तो एक आउटरम नाम के अंग्रेज रहे, इनका पूरा नाम है जेम्स आउटरम, और डब्ल्यू टेलर षड्यंत्र, इन्होंने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। प्रश्न कैसे आता है, निम्न में से किसका मानना था कि 1857 रिवॉल्यूशन एक षड्यंत्र थी, और वो भी किसका, हिंदू और मुसलमानों का। तो आप क्या लगाएंगे, डब्ल्यू टेलर भी यही कहते थे और जेम्स आउटरम भी यही कहते थे। सील लगाना, मोहर लगाना बंद कर देना, लगा दे सेना पर, सेना और लारे, लॉरेंस सील और सीले, दोनों कहते थे यह एक सैनिक विद्रोह था, आम विद्रोह नहीं कहते इसे, क्या कहते हैं, केवल सेना वाले लोगों ने या सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कौन कौन कहता है, लॉरेंस भी यही कहते हैं और सीले भी यही कहते हैं। आगे आ जाइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिल्ली में हडसन मर गया था और यहाँ जॉन निकल्सन और हडसन, यहाँ पे लखन नील बना रहा है, लखन नील बना रहा है, लखन, लखनऊ वाले जो प्रतिरोध दिखाया था 1857 में बेगम हजरत महल से, बड़े भयंकर युद्ध हुए हैं उनके, हालांकि वो बाद में नेपाल भागने में सफल हुई, लेकिन उससे पहले वो पुरजोर तरीके से लड़ी। तो कर्नल नील यहीं मरा लखनऊ में,
ला लॉरेंस भी यहीं मरा लखनऊ में ही है, और हैवलाक, हैवलाक की मृत्यु, लॉरेंस की मृत्यु और कर्नल नील की मृत्यु लखनऊ में हुई है 1857 में, लखनऊ के विद्रोह को दबाने के क्रम में। और आगे चलते हैं, देखो एक बात समझो, सेना हमेशा सरकारी होती है। सेना कैसी होती है? सरकारी। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, 1857 के सरकारी इतिहासकार कौन थे, 1857 विद्रोह के, तो सेना, सेन क्या नाम है इनका, एस एन सेन, कैसे सरकारी सरकारी इतिहासकार थे 1857 रिवॉल्यूशन के समय। और इसे लाइए, इनकी पुस्तक का नाम 1857 था, जो 1957 में प्रकाशित हुई। मजनू सिपाही था, मजूमदार साहब, आरसी मजूमदार साहब, क्या नाम है इनका, लेखक हैं आरसी मजूमदार। सिपाही, किताब का क्या नाम है, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857, किसने लिखी है, आरसी मजूमदार ने। ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, कई बार रिपीट हैं, यूपीएससी बीपीएससी आरएएस एमपीपीएससी सबके लिए, रट दीजिए, ये जवान पर होने चाहिए आपके पे। अगली वीडियो में पेज नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, सुनियोजित षड्यंत्र वाली बातें हैं तो इसे भी देखेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय। पेज नंबर 15 देख रहे हैं बिना कोई समय गवाए हुए, बहुत जल्दी ही करेंगे। देखिए, सावरकर की भारतीय स्वतंत्रता सुनियोजित है, सावरकर ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्या कहा था, स्वतंत्रता सुनियोजित है, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कह के पुकारा किसने, वीडी सावरकर ने। और जो पुस्तक का नाम है इनकी का, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, द इंडियन भारतीय, इंडियन भारतीयों का युद्ध स्वतंत्रता के लिए, ये बीडी सावरकर से संबंधित है, पुस्तक का नाम ये है। और क्या कहते थे इसको, ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। अब ये मराठों वाली बात है, कौन कहां शासन किया करता था। इंदू, इंदू एक गाय का पर्यायवाची शब्द भी है, हल्की है यार, किसी का पड़ोस में नाम वाम भी हो तो उस हिसाब से भी याद कर लेना, इंदू हल्की है। होलकर, होलकर कहां राज किया करते थे, इंदौर पे। ग्वाले बहुत सीधे होते हैं, ग्वाले बच्चे गाय चराते हुए, छोटे बच्चे सीधे होते हैं, तो सीधे ग्वाले। ग्वालियर में कौन शासन किया करता था, ग्वालियर पे सिंधिया। यार बड़ा गायक बन रहा है तू तो, ऐसे बोल भी देते हैं किसी से, बड़ा गायक बन रहा है, बड़ा बड़ौदा में, कौन गायकवाड़। ये आगे के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें भी लेते हैं। लैक्स लॉ की कानून कहो तो ये भी मानते हैं कि 1857 की रिवॉल्यूशन के लिए लैक्स लॉ की कानून भी उत्तरदायी था। इसे पहले समझते हैं, लाला को अकाल सता रहा है, सता 97, सता का मतलब लगभग, सेवन का अंक आएगा 97। लाला लॉयल आयोग, आयोग का क्या नाम है, लॉयल आयोग, लॉर्ड एल्गिन के समय इसकी स्थापना हुई थी। लॉयल आयोग की किससे संबंधित था, अकाल से संबंधित, सन कौन सी है, 1897। लौकी खाई थी पच गई यार, लौकी खाई थी पच गई, लौकी 50 की बात है, 1850 की। लेक्स लॉ की कानून, लेक्स लॉ की कानून के तहत 1850 के तहत हिंदू से ईसाई बने व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता था। देखो पहले क्या होता था कि इफ यू आर कन्वर्टिंग योर रिलीजन, या धर्म बदल रहे हो, कन्वर्ट हुए हो, ईसाई बने हो हिंदू से, तो आपके माँ बाप की जो संपत्ति है उसमें आपका हिस्सा नहीं बचेगा। लेकिन लेक्स लॉ की कानून आने के बाद इसे वैलिड बना दिया गया कि अगर ईसाई, वो तो एक योजना थी कि कैसे ईसाई बनाया जाए। इससे आगे चलते हैं, ये वन लाइनर है कुछ, इन्हें आप दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे की वाली बंदूक ब्राउन बेस, उस बंदूक का क्या नाम था, ब्राउन बेस, उसके स्थान पे कौन सी बनाई, एनफील्ड। ये कैसे याद रखेंगे, वो एनफील्ड ना बुलेट आती है, बुलेट एनफील्ड, उससे याद रखना। इस बंदूक का नाम है एनफील्ड राइफल, का प्रयोग का निर्णय लिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब बख्त खां को दिया था। ये दिल्ली में बख्त नहीं है भाई मेरे पास, दिल्ली में नेतृत्व किया था इन्होंने 1857 के स्वाधीनता संग्राम का। इस पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, कहीं बहुत बड़ी सबूत नहीं है इसके कि कमल और रोटी था, लेकिन फिर भी क्योंकि आयोग पूछ चुका है तो आपको तैयार करना है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में तथा मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, इनकी समाधि कहाँ है, ग्वालियर में।
ये झांसी गलत हो जाता है इसमें, ग्वालियर में 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाली सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या हमारे यहीं से थे, अवध से थे। अजीमुल्ला खां ये नाना साहब के सलाहकार थे, ये इंपॉर्टेंट है, बात याद रखनी है, आगे का अगली वीडियो में टॉपिक चेक करेंगे। सिद्धू बचपन से काना का साथी था, ये वही 1857 के आसपास की हैपनिंग चल रही है, बचपन 1855 की बात है। शुरू करते हैं पेज नंबर 16 से बिना कोई समय गवाए हुए, बहुत जल्दी करेंगे। तांत्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। असम में मनी राम दत्त, मनी माने पैसा, असम मम्मी अम्मी मनी, मनी राम दत्त ने 1857 रिवॉल्यूशन का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिम ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, ये क्या बात हुई यार, ये हिस्ट्री में प्रश्न पूछ लिया गया है, वो जीवित थे तब। और इन्होंने एक गजल और शायरी भी लिखी है इस 1857 रिवॉल्यूशन पे। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे, इसे कैसे याद रखेंगे, पाम माने होती है हथेली, हथेली पे क्रांति करवा दी, पाम माने क्या होती है, हथेली, हथेली पे क्रांति करवा दी। तो 1857 की रिवॉल्यूशन के दौरान और माँ की कृपा से लेबर ने स्वतंत्रता ऐंठ ली, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब कौन था, क्लीमेंट एटली, लेकिन 1857 के रिवॉल्यूशन के समय कौन था, पाम स्टर्न, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग गठित किया। पील आयोग, ये प्रश्न आएगा पील आयोग किससे संबंधित था, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति के दौरान बागपत में नेतृत्व किया है, ये बागपत इसलिए इंपोर्टेंट है, यूपी स्पेशल है, शाहमल, क्या नाम है इनका, शाहमल। 1857 की क्रांति में नवाब तफज्जुल हुसैन फर्रुखाबाद से संबंधित थे, नवाब तफज्जुल हुसैन। अब ये टॉपिक है सिद्धू बचपन से कान्हा का साथी है, सिद्धू बचपन से सन 55 से बैठे थे क्लास में, गाना आपने सुना ही होगा, उसे मैं आगे नहीं बता रहा, यहां पे पढ़ते हैं। सिद्धू, सिद्धू और कान्हा ये दोनों भाई भाई थे, ठीक है, सिद्धू और कान्हा, बचपन 1855 की बात है, कौन सी सन की बात है, 1855 की, 1855 बचपन, बचपन 1855 की बात रही। फिर क्या, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हा थे, इसे संथाल हुल, हुल शब्द का जो मतलब है हुल, इसका मतलब होता है विद्रोह, ये हो गया, भगवान हमारी तरफ से लड़ेंगे ऐसा सिद्धू ने कहा था। इसी में सिद्धू कान्हा चांद और भैरव ये चारों भाई थे, इस विद्रोह से जुड़े हुए थे। अगला है दादा फर्जी शरीफ है, हमारे दादाजी हैं फर्जी शरीफ हैं, एक फरेजी विद्रोह है और इससे संबंधित हैं दादा दादू मियां और शरीफ शरीयतुल्ला, शरीयतुल्ला के विचार थे, उनके बेटे दादू मियां ने आगे बढ़ाए जो आगे जाकर फरेजी विद्रोह का कारण बने। फरेजी लोग बंगाल के हाजी शरीयतुल्ला के द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। शरीयतुल्ला के पुत्र दादू मियां ने अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने के लिए फरेजी विद्रोह चलाया। पागल बंगाली पर कर्म करो, बंगाली पागल है उस पर कर्म करना है, करम शाह, करम शाह और उसका बेटा था टीपू, कौन था टीपू, बंगाल में हुआ यह विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह इससे कहते हैं, पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था, करम शाह ने इसे शुरू किया, उसके बेटे टीपू ने इसे आगे बढ़ाया। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय भी था, एक तू ही निरंकार, निरंकारी लोग दया करते हैं, निरंकारी लोग दया करते हैं, निरंकारी दया, दयाल सिंह साहिब, निरंकारी आंदोलन, निरंकारी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, दयाल सिंह साहब ने। सायद अब्दुल को बहम है, सायद अब्दुल को बहम है, सायद सैयद अहमद बहम, बहावी रियाज है अब्दुल, अब्दुल बहाब और बहावी आंदोलन और बलीउल्लाह के विचार। बहावी आंदोलन में बलीउल्लाह के विचारों द्वारा शुरू हुआ था, ये सऊदी अरब में रहते थे, कहां थे, सऊदी अरब में, एक बार ये सैयद अहमद वहां गए थे, कहां पे, भारतीय थे, ये गए सऊदी अरब, इनके विचारों से प्रेरणा लेके आए और यहां भारत में इन्होंने इनके विचारों का प्रसारण शुरू किया। भारत में
इसे सैयद अहमद ने शुरू किया था तथा अरब में अब्दुल बहाब ने शुरू किया था। आगे का अगली वीडियो में देखेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय। पेज नंबर 17 से शुरू कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी कर देना मुझे। पेज नंबर 17 से शुरू कर रहे हैं। खांसी में खांसी हो तो तीर्थ यात्रा पे नहीं जाना चाहिए। खांसी आ गई वहाँ, और अभी तो वैसे भी आपको पता है कोरोना के ताऊ आ गए इस समय, तो खांसी में तीर्थ मत जाओ। ये खासी जनजाति ने खासी विद्रोह किया था। मैं कहाँ पे संबंधित है? मेघालय में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी हैं, तीनों जनजातियां वहीं मिलती हैं, गारो खासी जयंतिया। तीरथ, इसका जो नेतृत्व किया था तीरथ सिंह ने किया था। तीन से ही याद करना है, 30 और 33। 1830 आएगा, तीरथ 30 33, 1830-33 में यह विद्रोह हुआ था। कभी कभी क्रम में लगाने का प्रश्न आएगा, तब आप अंदाज कर पाएंगे कि 1855 से ये वाला विद्रोह 1857 की क्रांति से पहले हुआ था। आ जाओ, खड़े होकर उड़ नहीं पाई। भाई खड़े होकर कोई उड़ता ही नहीं है, ऐसे लेटना पड़ता है तब पंख चलते हैं। खड़े, खोंड विद्रोह कौन सा है? खोंड विद्रोह, उड़, उड़ीसा, पाई और पाइक विद्रोह। देखो दोनों, तीनों पूछ चुका है आयोग, तीनों पूछ चुका है। अच्छा, ये तो अभी मैच मेकिंग में भी आया है, 2021 वाले पेपर में भी आ गया था, तुरंत पढ़ाया था, तुरंत आ गया था। तो दो चीजें इसके बारे में और नोट कर लो आप। ये पाइक विद्रोह की जो सन है वो 1817 है, 1817, और इसमें जो है ये नाम आ रहा है बक्सी जगबंधु, बक्सी जगबंधु। नोट कर लेना आप इसे नोट्स में, ठीक है? अपने जो अपडेटेड आप ले रहे हैं, बक्सी जगबंधु लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस की दृष्टि से। बक्सी जगबंधु 1817, खोंड, ये है पाइक विद्रोह। अब दूसरा है खोंड विद्रोह, खोंड जनजाति, ये तो लिखना ही लिखना है आपको, खोंड विद्रोह तो लिखना ही लिखना है। इसमें आप नाम देखिए, चक्र विसोई, खोंड में क्या नाम रखेंगे? चक्र, चक्र विसोई, ये दोनों नाम जोड़ लेना। ये 1855-56 है इसकी सन, खोंड विद्रोह की सन है 1855-56। जैसे खड़े होकर उड़ नहीं पाई, पहले तो कंसेप्ट हुआ कि कहां हुए थे? उड़ीसा में हुए ये दोनों विद्रोह। उड़ीसा वाली लोकेशन पूछ चुका है, अब सन पूछ सकता है, तो पाइक 17 और ये 1855-56, बचपन की ही बात है। आनंद जो है बंगाली सन्यासी है, कौन है? आनंद बंगाली सन्यासी, ये लीजिए, आनंद मठ, आनंद मठ, बंगाली, बंकिमचंद चटर्जी, सन्यासी, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ। सन्यासी विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ में वर्णित है, कई जगह वर्णित है, लेकिन आनंद मठ की विषय वस्तु क्या है ये प्रश्न पूछ सकता है। बाघ कच्छ से गुजर रहा है, कच्छ गुजरात, बाघ का नाम है बघेरा विद्रोह। क्या नाम है इसका? बघेरा विद्रोह। और दूसरा क्या है? कच्छ विद्रोह। दोनों कहां पे हैं? गुजरात में। कच्छ विद्रोह की सन है 1819 लगभग, कहां है? कच्छ की सन है 1819। इसमें 1819, और दूसरा भी देख के बता देता हूं, बघेरा है 1818-19, लगभग दोनों ही ये सेम सन के हैं, 1818। वन एट, अरे लिख जाए यार, बघेरा की सन लिख लीजिए 1818 और 19, और इसकी भी है कच्छ विद्रोह की 1819, दोनों हो गए। नोट करना पड़ेगा कहीं आपको, छोटे बुद्धू कल विद्रोह करना, छोटे नागपुर के पठार, छोटा नागपुर पठार के कोलों ने, जनजाति कौन सी थी? कोल। 1831 में कोल विद्रोह किया था, इसका नेतृत्व तो बुद्धो भगत ने किया। छोटे, छोटा नागपुर पठार से संबंधित है, बुद्ध, बुद्धो भगत ने नेतृत्व किया, कल कोल विद्रोह की बात होती है। चाचा बेटा अंधे, चाचा बेटा अंधे, चैचू विद्रोह है, क्या नाम है? चैचू आंदोलन, बेटा बेंगटप्पा, अंधे आंध्र प्रदेश,
चेचू आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था, इस विद्रोह का नेतृत्व वेंकटप्पा ने किया। पाली तुम्हारी माला कट्टे में है, पॉली का मतलब अंग्रेजी में होता है कई, पॉली का मतलब क्या होता है कई के लिए, पॉली कार्बोनेट, पॉली जहां POLY लगेगा पॉलीटेक्निक, कई सारी तकनीकियां। तो पाली नाम भी होता है बच्चों का, पाली तुम्हारी माला कट्टे में है। पाली गिर विद्रोह है, तुम्हारी तमिलनाडु, माला मालाबार क्षेत्र वो जो बॉर्डर है केरल वाला, और कट्टे कट्टमामन ने इसका नेतृत्व किया था। पालीगीर विद्रोह तमिलनाडु तथा मालाबार क्षेत्र में हुआ, इस विद्रोह का नेतृत्व कट्टमामन ने किया था। आगे का अगली वीडियो में देखेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय। पेज नंबर 18 देखेंगे। प्रॉब्लम यह है कि ये नील आंदोलन जो है आप पढ़ भी चुके हैं, कई कई बार याद भी होगा। नील की खेती जबरदस्ती भारतीय किसानों से करवाते थे अंग्रेज, और वो कुछ पेशगी देके, ददनी प्रथा के अंतर्गत कुछ पेशगी देके जबरदस्ती उनसे उनकी फसल भी ले लेते थे, नील की उपजानी, और हमें इस रेट पर बेचनी है। इससे किसान तंग आ गए थे। एट लास्ट अंत में जाके उन्होंने, बहुत अल्प समय काल है जो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मुसीबतें लंबे समय से झेली किसानों ने। 1859, मैंने कहा आपसे, सेठ नील बेचता है। सेठ गांव में होते हैं, शहर में होते हैं सेठ, रईस लोग। सेठ नील बेचता है और क्रय विक्रय करते ही हैं वो। सेठ साठ बोल के देखो, 1859-60 में नील विद्रोह हुआ। ये नील विद्रोह हुआ कहाँ? बंगाल में। सन याद हो गई, लोकेशन याद हो गई, कारण मैंने आपको बता ही दिया है। राम का चित्र फड़क गया 1822 में। पश्चिमी घाट, मतलब आप ये कहिए कि पश्चिमी घाट जो आज की स्थिति है, वहीं गोवा में पहुंची आप। तो ये जो रामोसी थे, देखो कोई भी विद्रोह होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। ये जो राम, ऐसे ही ये अमिताभ बच्चन, वो अमिताभ बच्चन का एको मिथुन चक्रवर्ती वाली मूवी, सलमान खान और वो क्या नाम था, अरे जो लुटेरे बने थे, जैकी शराब भी था थे उसमें, खैर हिट नहीं हुई, वो बाद की बात है। तो मूवी का नाम तो बता दो। ऐसे ही रामोसी जो जाति थी, रामोसी जो जनजाति या जाति थी, वो पुलिस का काम निभाया करती थी मराठों के समय। मराठों का राज्य समाप्त हो गया, अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया, ये गुलाम बन गए एक तरीके से। इनके पास काम नहीं था, काम नहीं था तो क्या करे, विद्रोह कर दिया। ये एक 1822 में हुआ है, इसके बाद वो अंग्रेजों ने दबा दिया। 1826 में हुआ है, तो उमाजी नेता हैं किसके, 1826 वाले के। और राम का चित्र फड़क गया, राम का चित्र फड़क गया। चित्तर सिंह या चित्तूर सिंह आएगा, चित्तूर सिंह। अब ये बात रही थोड़ी पुरानी, फिर अंग्रेजों का, क्योंकि इतिहास से व्यक्ति सीखता है, काफी जोरदार तरीके से विरोध किया था रामोसी जाति के द्वारा अंग्रेजों का। क्षेत्र वही था महाराष्ट्र। इसी महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा रामोसी जत्था बनाया गया था बहुत बाद में। मतलब हमें याद क्या रहेगा इससे, राम का चित्र फड़क गया, राम, रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में, चित्तर सिंह के नेतृत्व में, और रामोसी किसान सभा, किसान जत्था, वासुदेव फड़क गया, वासुदेव बलवंत फड़के, क्या याद हुआ रामोसी जाति, क्या पता चला, अकेले लड़े थे अंग्रेजों से भाई, इन्हीं के सम्मान में ये जत्था बनाया गया। फिर दूसरे तरीके से विरोध शुरू किया गया, ये 1900 के लगभग की बात है। आगे चलते हैं। बॉल और बल्ला छत पे है, बॉल हम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बॉल और बल्ला बेलूर, कर्नाटक, टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये वही साम्राज्य की बात हो रही है। वेल्लूर का जो दुर्ग था उस पर एक रात के लिए
भारतीय सैनिक जो थे उन्होंने कब्जा कर लिया और वो दुर्ग जीत लिया, और अर्काट से फिर जब सेना आई तब वो युद्ध दोबारा अंग्रेजों ने किला ग्रहित कर लिया। तो वेल्लूर विद्रोह 1806 में, मैंने कहा बल्ला छत पर है, छत का मतलब 6 का डिजिट है, बाल जॉर्ज बार्ले था उस समय, बल्ला वेल्लूर विद्रोह। अच्छा एक बात, अगर आप इसको अहोम विद्रोह को पढ़ेंगे तो एक चीज पता लगेगी आपको कि यार ये अंग्रेजों से जीत गए थे एक तरीके से देखा जाए तो, अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी इस मामले में, अहोम विद्रोह वाले मामले में। तो कुंवर बहुत अहम है, अच्छे भी हैं, अच्छे मैंने ज्यादातर प्रयोग किया है, 28 बोल के देखिए 8 का अंक मिलेगा, 1828 की बात है। कुंवर गोमधम नाम है इनका, कुछ मतलब गोधम यहां लिखा हुआ है, गोमधम गोमूधम कुछ भी आए तो वही शब्द है। कहां पे? असम इसका क्षेत्र रहा, अहम विद्रोह है। एक्चुअली जो असम के साथ इनकी संधि हुई थी उसका उल्लंघन किया अंग्रेजों ने, इसीलिए इनको विद्रोह पर मजबूर होना पड़ा। इससे आगे जाते हैं, सेठ सन्यासी है, सेठ नील बेचता है, सेठ सन्यासी भी है, सेठ वो 1860 की बात है, ये 1760 की बात है अप्रोक्स। देखिए एक्चुअली सन्यासी विद्रोह बहुत लंबे समय तक चलता रहा, ये एक दिन की घटना नहीं थी। हुआ क्या था कि जो सन्यासी हथियार लेकर किसी भी तीर्थ यात्रा पर जाते थे उनको प्रतिबंधित कर दिया अंग्रेज गवर्नमेंट ने। डर किस बात का? विद्रोह का। डर किस बात का? अपने विरोध को दबाने के लिए। अब शंकराचार्य जी के जो अनुयायी थे उन्होंने प्लस कई अन्य प्रकार के सन्यासियों ने इसका संयुक्त रूप से विरोध किया, लंबे समय तक चलता रहा। किसी किताब में 1763 पढ़ोगे, किसी में कुछ पढ़ोगे, तो 1760 से 1800 तक के बीच का इसका समय माना जाता है। कहां हुआ? बंगाल में। सेठ सन्यासी है मतलब यहां 1770 लिख जरूर रहा है, लेकिन लंबे समय तक ये चलता रहा। आगे चलते हैं, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र, वंदे मातरम, बंकिम चंद, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व केरल में किया था। उलुगलन विद्रोह बिरसा मुंडा पहले करा चुका हूं मैं। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी, ये भी पूछ चुका है आयोग, सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया ठक्कर बप्पा ने। मोपला केरल के मालाबार क्षेत्र में एक माला, एक 21 में हुआ माला, मोपला केरल में बहुत सारे हिंदू व्यापारियों की हत्या हुई थी इसमें, रईसों की। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता थे ये, जोड़नांग भी लिखा हुआ है, जदोनांग भी लिखा हुआ है। देखो अभी आप संस्कृत बोल के देखो, अच्छे अच्छे को डंक मारेगी, ना तो प्रोनाउंसिएशन आता है ना बात समझ में आती है, और कभी ये देवों की भाषा या ये कहिए पूरे समाज की भाषा यही थी, क्लिष्ट है, कठिन है, तो संस्कृत डंक मारती है। तो बनारस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना का श्रेय जाता है किसको? डंग, जोनाथन डंगन को, 1791 में। आगे के जो टॉपिक हैं अगली वीडियो में देखेंगे, सर अलीगढ़ में मुसलमानों को राजभक्ति सिखाते हैं, अगली वीडियो में देखेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय। पेज नंबर 19 देखेंगे, 19वां। सर अलीगढ़ में मुसलमानों को राजभक्ति सिखाते हैं, ये सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो इंडियन इंस्टीट्यूट ऐसे करके कुछ है ये, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसे कह रहे हैं। अब चक्कर पड़ जाएगा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप और खुल गई है, ठीक है ना। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ हो गया मुसलमान। ये है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खां ने। राजभक्ति, संयुक्त राजभक्त भारतीय सभा, आप पूरा पढ़ेंगे तो पाएंगे कि एक ये कहिए कि अंग्रेजों को, अंग्रेजों के प्रति एक बहुत जबरदस्त निष्ठ व्यक्ति मिल गया था जिसने अंग्रेजों की उच्चतम दर्जे की चाटुकारिता की, अंग्रेजों के प्रति भक्त बना रहा सर सैयद अहमद का, पूरा पढ़ेंगे तो पाएंगे। आ जाइए एशियाटिक सोसाइटी, पहले कंसेप्ट समझते हैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की आवश्यकता क्या पड़ी? प्राच्य, प्राच्य मतलब प्राचीन,
प्राचीन चीजों, प्राचीन इतिहास, प्राचीन पुस्तकों के अध्ययन के लिए, उनकी लिखी हुई बातें समझने के लिए, ये थे जोस में, इसका नाम है सर विलियम जोस। सर विलियम जोस इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की प्राच्य विद्या के अध्ययन के लिए। इसके साथ साथ ये व्यक्ति बुद्धिमान रहा, इन्होंने क्या 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 किया, गीत गोविंद, गीत गोविंद पुस्तक जयदेव की, इसका अनुवाद किया, संस्कृत अनुवाद। अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि तुलसीदास मत कहो, कालिदास, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया किसने, सर विलियम जोन्स ने। ऐसे जोस में शकुंतला गीत गाती है, शकुंतला बहुत इंपोर्टेंट किरदार है। ऐसे एशियाटिक सोसाइटी, जोस, सर विलियम जोन्स, शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद, गीत, गीत गोविंद का अनुवाद, गीत गोविंद जयदेव, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। आगे आइए, गीता और मनु ही बैली डांस करते हैं, गीता और मनु ही बैली डांस। अब ये बैली डांस आपको नहीं पता, वो कमर हिलका के एक 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 ही तरीके की ध्वनि निकलती है, कमर ज्यादा नाचती है आदमी की अपेक्षा, मतलब। और मैंने तो वो टीवी पे देखा है, तो वो लड़कियों औरतों का है, आदमी तो देखा नहीं मैंने कोई, तो बैली डांस बोलते हैं उसे। तो गीता और मनु ही बैली डांस करते हैं। विलिकिंस, क्या नाम है, चार्ल्स विलिकिंस। गीता, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद, मनु, मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद, ही हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद, बैली विलिकिंस ने किया है, ठीक है, चार्ल्स विलिकिंस। अब आप समझना, मनु स्मृति न किसी ने तुम में से पढ़ी, न तुम्हें पता, मैं तो श्लोक संख्या भी बता दूंगा इसने श्लोक पे लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है मेरे भाई कि आप पृथ्वी से बाहर पानी खोजेंगे, जो आज आप कर रहे हैं, जो आज आप कर रहे हैं वो कई हजार साल पहले आपको बता के चला गया, पढ़िए तो सही, एक दुराग्रह पूर्वक मत पढ़िए, पहले विचार मत बना लीजिए, जो फेसबुक व्हाट्सएप से आपको ज्ञान प्राप्त है वो मत जाइए, किताब को किताब के उद्देश्य से पढ़िए। आगे चलते हैं, अच्छा ऐसी क्या बात थी जो इन्हें भी अनुवाद करना पड़ गया, मनुस्मृति का, कुछ ना कुछ जानने की कोशिश की होगी, फिर 15-20 आविष्कार किए हैं, फिर पानी खोजने में लगे हुए हैं, किताब तो यही पढ़िए भाई। बंबई में विधवा महिला का विवाह कब है, बंबई में डीके करवे, ये विश्वविद्यालय अभी भी चल रहा है जो इन्होंने स्थापित किया ना, डीके करवे ने, ये विश्वविद्यालय आज भी रनिंग वाली स्थिति में है, इवन उत्तर प्रदेश में इससे संबद्ध कई कॉलेज हैं महिलाओं के। बंबई, डीके करवे ने वर्ष 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की थी। 1896 में उन्होंने पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। बंबई, बंबई विधवा, विधवा आश्रम बनाया, महिला भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय, विवाह, विधवा का विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना किसने की, डी के करवे ने। आगे ये कुछ वन लाइनर है, इन्हें चेक करते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया, ठीक है, कल मजे किए, मोजिद्दीन थे इसके पहले शिक्षक। हंटर कमीशन 1882 की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया गया, अनगिनत बार पूछ चुका है, 1882 भी पूछ चुका है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, मैं काले मत चले जाना, चार्ल्स ग्रांट, ग्रांट आ गई तो शिक्षित हो गए। रियाज उस सलातीन पुस्तक गुलाम हुसैन ने बंगाल में मुस्लिम शासकों के बारे में लिखी। दयाबाई आ चुका है यूपी पुलिस में, राजस्थानी महिला संत थी, इनकी रचनाओं का संग्रह विनय मलिका है। सेडलर आयोग, बूढ़ा हंटर से बांध राधा को ले गया, ये मैंने बताया था आपको, सेडलर आयोग शिक्षा से संबंधित। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना बीजी तिलक और एक और व्यक्ति है इनके साथ, उन्होंने मिलकर की है। भारत में तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी, आ गया ना ये मैकाले, मैं कह रहा था मैकाले के साथ मत चले जाना। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है, अगर ऐसा ही सही है
मैकाले जी कहते हैं कि वो आपकी पूरी अलमारियां, आपका पूरा साहित्य और अरब का पूरा साहित्य यूरोप के एक पुस्तकालय के साहित्य के बराबर है। तो क्या जरूरत पड़ रही है फिर मनुस्मृति का अनुवाद कराने की, गीता का, भगवत गीता का अनुवाद कराने की? इफ यू हैव दोज थिंग्स, व्हाई आर यू ट्रांसलेटिंग दीज आइडियोलॉजीज, व्हाई यू लर्निंग देम? लेट इट गो। मतलब बकने को तो कोई भी कुछ भी किसी भी प्रकार की बकैती कर सकता है, कुछ भी बोल सकते हो आप। अभिव्यक्ति की आजादी है, और उस जमाने में तो अंग्रेजों को बहुत ही ज्यादा रही होगी, आपको तो बिल्कुल ही नहीं रही होगी। 1817 में राजा राममोहन राय ने एलेक्जेंडर हफ तथा डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये जो है क्या था इसका, हाँ इसके साथ हैं गोपाल गणेश आगरकर, यहाँ ये रहा, लोग मैं हटा के दिखाता हूँ आपको इसमें, क्योंकि ये प्रश्न पूछ चुका है ना बीजी तिलक वाला। अब इसके साथ गोपाल गणेश आगरकर, और यहाँ आप नोट कीजिए, इन दोनों ने मिलके की थी, गोपाल गणेश आगरकर को तो आप जानते ही जानते हैं, आगरकर। और लगभग देखो मैं दो चार चीजें और बताता हूँ आपको, अभी खत्म नहीं हुई वीडियो। इन दोनों की सन और याद कराता हूँ, इसकी डेक्कन सोसाइटी की और एशियाटिक सोसाइटी की। ये दोनों चोर हैं, ये कर लो 84 है, दोनों की एक ही सन है 84, 1784 में क्या है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई है और ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई है 84 में, 1784 में। आगे का अगली वीडियो में, हैव ए नाइस डे, बाय। पेज नंबर 20 देखेंगे, शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। मदन मोहन मालवीय जी हैं, 1916 की बात है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है, इसका शिलान्यास करने आए थे लॉर्ड हार्डिंग। फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक मैं काले थे, ये फिल्ट्रेशन थ्योरी एक दो बार पहले भी बता चुका हूँ कि छनने का सिद्धांत है, उच्च वर्ग को शिक्षित कर दो, निचले वाले वर्ग धीरे धीरे शिक्षित हो जाएंगे, ये फिल्ट्रेशन थ्योरी थी। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। देखो ऐसे ऐसे देखो, सोमवार को बहुत सारी लड़कियां हैं जो व्रत रखती हैं, सोमवार को ईश्वर के पास जाएंगे, भगवान से मिलेंगे, सोमवार को कथा कराएंगे और सोमवार को ललित कथा कराएगा, ललित के यहाँ कथा होगी, ये स्पेशल क्लास में मिलेगा आपको। तो सोमवार को ईश्वर से मिलेंगे, सोमवार सोम प्रकाश अखबार है, सोम प्रकाश अखबार है, इसके जो पहले संपादक हैं, पहले संपादक जिन्होंने शुरुआत की है वो है ईश्वर चंद विद्यासागर। एक चीज और लिख लीजिए, यहाँ एक और बात लिखनी है, ये अखबार की जो पहला प्रकाशन हुआ है 1859 में, और जो एडिटर इन चीफ हैं जिनके संरक्षण में ये काम हुआ है उनका नाम है द्वारकानाथ विद्याभूषण, ये आप नोट करेंगे, द्वारकानाथ विद्याभूषण, ये मान के चलिए कि इसके मालिक थे। आगे आ जाइए, कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार, ट्रेड। दादा वांट्स कॉमर्स टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया, दादा चाहते हैं व्यापार टू रिमूव पॉवर्टी, गरीबी दूर करने के लिए, फ्रॉम इंडिया, भारत से, भारत से गरीबी दूर करने के लिए दादा चाहते हैं कि व्यापार हो। दादा दादा भाई नौरोजी, देखिए रास्त गोफार है, मैं पूरा एक बात बताऊं, रास्त गोफ्तार, पहले बता देता हूं ये पुरानी चीज है, रास्त गोफ्तार, ये इसका मतलब है सच को बताने वाला। क्या मतलब है इसका, सच को दर्शाने वाला, ये इसका भी प्रकाशन दादा भाई नौरोजी करते थे। दादा भाई नौरोजी ने वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी, एक और पुस्तक लिखी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोबारा, दादा वांट्स, वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, कॉन कॉमर्स, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, और रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तीनों पुस्तकें किसकी हैं, दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी मूल रूप से एक पारसी व्यक्ति थे, कौन थे, पारसी, बड़ा बिजनेसमैन भी थे, बहुत बड़ा इनका व्यापार था। एक बात और बताता हूं यहीं पे, एक सबसे व्यापार से याद आया, पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटेन में कंपनी स्थापित की थी अपनी,
जबकि हम गुलाम थे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जबकि हम गुलाम थे। इन्होंने अपनी प्रथम भारतीय कंपनी की स्थापना का श्रेय इंग्लैंड में जाकर करने का श्रेय जाता है दादा भाई नौरोजी को। और ये वही थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय नापने का सबसे पहले प्रयास किया था। और लगभग 20 रुपए बताई गई थी भारत की प्रत्येक भारतीय की प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए लगभग बताई थी। ऐसे आगे आ जाते हैं। एक इनका है रहनुमा मजेयाद मजदा यसन, ऐसे इनके शब्द अलग ही हैं, इनकी भाषा कुछ वहां से प्रभावित रही। और पारसी धर्म का प्रचार करने के लिए सभा भी इन्होंने स्थापना की। इससे आगे चलते हैं। और हाँ, ये चुने जाने वाले हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय भी बने। और धन हस्तांतरण वाला भी सिद्धांत दिया कि भारत को कैसे लूट रहा है ब्रिटेन, ये भी इन्हीं ने दिया भारत के संदर्भ में। और तार भाई फ्री में नहीं आता, जब भी एक जगह से दूसरी जगह तार भेजोगे तो पैसे लगेंगे। अगला टॉपिक है तार फ्री में नहीं आता। अखबार का नाम है फ्री हिंदुस्तान। कौन संपादक थे? तारकनाथ। देशभक्त है अखबार। अगला है मदन मोहन मालवीय हिंदुस्तान के लीडर थे। मदन मोहन मालवीय हिंदुस्तान के लीडर थे। अखबार का नाम है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान समाचार पत्र। संपादक कौन है? मदन मोहन मालवीय। और लीडर, नेता, लीडर नामक पत्रिका के संपादक कौन है? मदन मोहन मालवीय। जाड़े में अमृत आएगा। देखिए, सिसिर माने जाड़ा होता है, पर्यायवाची है सिसिर। जाड़े में अमृत बटेगा। ये दो भाई थे, सिसिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। ये मोतीलाल नेहरू नहीं है, ये मोती घोष है। तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया। देशभक्त पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका। इससे आगे आते हैं। मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट थे। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पापा, ठीक है। ये भी 29 में रहे, 1919 में भी यही अध्यक्षता कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। 29 में किया जवाहरलाल नेहरू, 10 साल बाद। 9 के अंक का बड़ा फेर है जवाहरलाल नेहरू के जीवन में। अरे, ये मैंने पहले आपको इतिहास पढ़ाया था तब बता दिया था। अब क्या है कि ये इंडिपेंडेंट थे। 1919 में ये अखबार इन्होंने शुरू किया। किनने? मोतीलाल नेहरू ने। अखबार का नाम क्या था? इंडिपेंडेंट। और 2 साल में इनको अंग्रेजों के सप्रेस के कारण बंद करना पड़ा। किसको? मोतीलाल नेहरू को। आगे का कंसेप्ट अगली वीडियो में देखेंगे। हम आजादी जीत गए हैं, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय। पेज नंबर 21 देख रहे हैं, बिना कोई समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। हम आजादी जीत गए हैं, हम आजादी जीत गए हैं, हम आजादी, हमारी आजादी जीत गए हैं। इंडिया विंस फ्रीडम। मौलाना आजाद किससे संबंधित हैं? मौलाना आजाद से। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना आजाद थे। गुबार एक खातिर तथा हमारी आजादी भी इन्हीं की रचनाएं हैं। इंडिया विंस फ्रीडम कई बार आयोग पूछ चुका है। अब अगर सिलेबस तो यही है, या तो गुबार एक खातिर पूछ लेगा या हमारी आजादी पुस्तक पूछ लेगा। बंगले में राजा राममोहन राय संवाद कर रहे थे। बंगले में संवाद होता है भाई साहब, संवाद मतलब बातचीत करना। संवाद कौमुदी जो 1821 में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था जो किसी भारतीय भाषा में था। हिंदी का उदंत मार्तंड है, 1826 की बात है, हिंदी में प्रकाशित होने वाला। तो किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था संवाद कौमुदी। अब प्रश्न यहाँ क्या आएगा, इसकी भाषा क्या थी? बंगले में संवाद बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था। 1821 नोट कर लेना आप यहाँ पे, 1821, और किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार, और 1826 में उदंत मार्तंड, ये हिंदी भाषा का पहला अखबार था। सुरेंद्र देश बना रहा है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने
ए नेशन इज मेकिंग के लेखक, मैं बताता हूँ आपको, सुरेंद्र देश बना रहा है, मेक माने बनाना, देश माने नेशन, सुरेंद्र देश बना रहा है, ए नेशन इज मेकिंग, पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुभाष चंद्र बोस ने स्ट्रगल किया, सुभाष चंद्र बोस ने काफी अपने जीवन में स्ट्रगल किया, तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। मामला क्या है इस पुस्तक का? एक तो यह है कि ये पुस्तकें आजादी के बाद प्रकाशित हुई, 1948 में तो प्रकाशित हुई है। मुख्य रूप से जो इसमें घटनाएं हैं इंडियन स्ट्रगल में, 1920 से 1942 तक की घटनाएं संकलित की हैं उन्होंने, जो भारतीय इतिहास में 1920 से 1942 तक के बीच में हुआ वो सब सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक में। मेरा अखबार फाड़ दिया है भाई साहब, मेरा अखबार, मिरात उल अखबार, क्या नाम है? मिरात उल अखबार, फाड़, फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। एक्चुअली ये बात है 1822 की, कब की बात है? 1822 की, 1821 में वो पहले वाला अखबार, 1822 में ये दूसरी वाला अखबार, 1826 में हिंदी वाला उदंत मार्तंड, 1822 में राजा राम मोहन राय ने ही मिरात उल अखबार का फारसी भाषा, यहां से भाषा पूछेगा अब की बात, तो फारसी भाषा में इसका प्रकाशन करना शुरू किया था। अब स्वामी जी हुंकार रहे हैं, हुंकारना गर्जना करना, स्वामी जी हुंकार रहे हैं। अवध किसान सभा, अवध किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी स्वामी जी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, और हुंकार, हुंकार समाचार पत्र का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। अब अगली बात है 1887 की, शिव देवता है, क्या है? शिव एक देवता है, कंसेप्ट है देव समाज। देव समाज की जो पुस्तक है उसका नाम है देवशास्त्र। ये मतलब आगे जाके जब 2-4 साल बाद, स्थापना के 2-4 साल, 10-15 साल बाद, 1887 के 15 साल बाद, ये भगवान में विश्वास नहीं रख रहे थे। देव नारायण अग्निहोत्री इनका नाम था, सॉरी, शिव नारायण अग्निहोत्री इनका नाम था। इन्होंने देव समाज की स्थापना की और जो हिंदू धर्म में जो अव्यवस्थाएं थी या कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। इनकी पुस्तक का नाम है देवशास्त्र, धर्म का नाम है जो अलग स्थापित किया उसका नाम है देव समाज। कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री जी। एक इनका एक और नाम है, शिव ही सत्य है। अगर कहीं शिव लिखा हुआ ना आए, शिव ही सत्य है, सत्य नारायण अग्निहोत्री भी इन्हीं का ही नाम है। आगे का अगली वीडियो में देखेंगे। ये न्यू इंडिया नाम से दो अखबार थे, एक यंग इंडिया अलग है, न्यू इंडिया के भी दो अखबार हैं, अगली वीडियो में देखेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय। पेज नंबर 22 से देखेंगे, एनी न्यू यंग गांधी इन इंडिया, एनी न्यू यंग गांधी। एक्चुअली इन दो में बड़ा कंफ्यूजन है, किसमें? न्यू इंडिया नाम ऐसा ही लगता है, यंग इंडिया भी नाम ऐसा ही लगता है, तो इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने कहा एनी न्यू, एनी एनी माने कोई, न्यू नया, यंग गांधी भारत में है क्या? एनी एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया का प्रकाशन किया। एनी बेसेंट ने किसका किया? न्यू इंडिया का। यंग इंडिया का प्रकाशन गांधी जी। एक और बात है यहां पे, एक यंग इंडिया नाम का अखबार का प्रकाशन बिपिन चंद्र पाल ने भी किया है, ये कहीं आप नोट कर लेना, अपडेटेड नोट्स में ये बात लिखी हुई आपको मिल जाएगी। न्यू इंडिया साप्ताहिक अखबार 1901 में बिपिन चंद्र पाल ने भी शुरू किया अंग्रेजी में। अब आगे टॉपिक है, सरोजिनी नायडू के पंख टूट गए, सरोजिनी नायडू के पंख टूट गए, ब्रोकन विंग्स, ये पूछ चुका है आयोग, ब्रोकन टूट, थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, मतलब अगर आपको याद ये भी रखना है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड भी इन्हीं की रचना है। स्वदेशी पिल्ले, आगे आ जाइए, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं आगे बताऊंगा। इसमें एक स्वदेशी बांधव संस्था और है, स्वदेशी पिल्ले, स्वदेश वाहिनी की स्थापना जो की है आर रामकृष्ण पिल्लई ने की है, और ये है, इसमें ये बताता हूँ पहले, तब आगे वाली चीज दोबारा बताऊंगा। लाला ने, नहीं इसे भी यहीं खत्म कर लेते हैं, ढूंढा था मैंने आज ये।
स्वदेश बंधु समिति, यहाँ पे अगर कभी, एक तो स्वदेश वाहिनी हो गई, एक है स्वदेश बंधु समिति, ये अश्विनी कुमार दत्त की है, स्वदेश बंधु समिति अश्विनी कुमार दत्त की है, अश्विनी कुमार दत्त, लिख लेना आप कहीं, नोट कर लेना उसे। आगे चलते हैं इससे। लाला ने दुखी तरुण को समाज में गीता का संदेश दिया। लाला लाला लाजपत राय की बात होगी सारी। पुस्तक है दुखी भारत, पुस्तक है तरुण भारत, समाज आर्य समाज पुस्तक के लेखक, गीता भगवत गीता का संदेश पुस्तक के लेखक, ये सारे काम है लाला लाजपत राय के। लाला ने दुखी तरुण को, तरुण नाम का लड़का था, दुखी था, क्या दिया है? भगवत गीता का संदेश दिया है। गीता भगवत गीता का संदेश पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। दुखी दुखी भारत किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने। तरुण भारत किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने। आर्य समाज पुस्तक किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने। ये और बड़े इंपोर्टेंट है, जय ने जेल में आजादी के लिए संपूर्ण संघर्ष किया। ये संपूर्ण संघर्ष या संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था, ये किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। जय, जय का मतलब जयप्रकाश नारायण। जेल, जेल डायरी इन्होंने ही लिखी है। आजादी, आजाद दस्ता इन्होंने ही बनाया था। संपूर्ण संघर्ष, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, और पुस्तक का नाम है संघर्ष की ओर, किन्होंने लिखी है? जेपी ने, जयप्रकाश। बड़ा बड़ा ऐतिहासिक मामला है इनका, जेपी साहब का। तो जयप्रकाश नारायण समाजवादी, जेल डायरी पुस्तक, जेल डायरी लिखी इन्होंने, आजाद दस्ता बनाया, संपूर्ण क्रांति नारा दिया, और संघर्ष की ओर पुस्तक लिखी। गीता के घर में बैल अशांत हैं, ये कई बार आ चुका है। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, भारतीय अशांति का जनक, किसको कहा था? बाल गंगाधर तिलक को। किसको कहा था? बाल गंगाधर तिलक को। गीता के होम में बैल अशांत हैं, गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी, केसरी जो अखबार का संपादन किया करते थे बाल गंगाधर तिलक, किसमें? मराठी भाषा में। अब ये भाषा भी पूछेगा आपसे, किस भाषा में? मराठी भाषा में। होम रूल आंदोलन, इसका भी पूरी कहानी बता देता हूं। सन 1916, कितना है होम रूल का मामला है? 1916 का। अप्रैल का महीना है, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना कर चुके हैं, हालांकि सितंबर महीने में 1916 में ही एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये दोनों सेपरेट हैं, पहले बाल गंगाधर तिलक कर चुके थे। भारतीय शांति का जनक वैलेंटाइन सरूल ने किससे कहा? बाल गंगाधर तिलक से। केसरी अखबार निकाला, केसरी का मतलब होता है शेर, केसरी का क्या मतलब होता है? शेर, मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। आगे का अगली वीडियो में देखेंगे। हरिजनों को जीवन दो। हैव अ नाइस डे, बाय।